किसी भी शाम प्रेमी के प्रति गलत बात नहीं सोचनी है। अगर कोई शाम प्रेमी है, अगर कोई मदद चाहता है या किसी भी तरह की संकट से घिरा हुआ है, तो उसकी मदद आपको हमेशा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक श्याम प्रेमी है, श्याम बाबा का दास है। सभी श्याम प्रेमियों का एक बार फिर स्वागत है। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि श्याम बाबा की सेवा आप किस प्रकार कर सकते हैं। मंदिर में जाते हैं आप, मंदिर में बाबा की पूजा करते हैं, घर में भी आप श्याम बाबा की पूजा करते हैं, हर जगह आप श्याम बाबा की पूजा करते हैं, परंतु श्याम बाबा की सच्ची पूजा क्या है और कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो श्याम बाबा की सच्ची पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको अपने तन मन और धन से मन को रवाना होगा, तभी आप श्याम बाबा की सेवा कर सकते हो। तो श्याम बाबा की सेवा करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने मन को स्थिर करना है, मन को लगाना है। अगर आप किसी कारण से बहुत ज्यादा दुखी हैं और आपकी लाइफ में परेशानियों का अंबार बना हुआ है, तो आप बाबा शाम को अपने मन में हमेशा याद करते रहिए, उनको मन से हमेशा ध्यान में रखिए, तो आपकी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी। बाबा शाम को अपनी सारी चिंता आप सौंप दीजिए, जिससे आपकी चिंता अधिक से अधिक कम हो जाए। दूसरा आता है तन से। तो तन से आपको कैसे सेवा करनी है? श्याम प्रेमी है, आपने पढ़ा होगा श्याम श्याम बाबा की जो कुछ पंक्तियां आती है, श्याम भक्त सबसे बड़े उनको करूं प्रणाम, खाटू नगर के बीच में बढ़ियों आपको धाम। तो श्याम भक्त सबसे बड़े उनको करूं प्रणाम, यानी श्याम प्रेमियों की सेवा, यानी किसी भी श्याम प्रेमी से आपको द्वेष नहीं रखना है, किसी भी श्याम प्रेमी के प्रति गलत बात नहीं सोचनी है। अगर कोई श्याम प्रेमी है, अगर कोई मदद चाहता है या किसी भी तरह की संकट से घिरा हुआ है, तो उसकी मदद आपको हमेशा करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक श्याम प्रेमी है, श्याम बाबा का दास है, तो आपको उस प्रेमी की हमेशा सहायता करनी होगी। दूसरी बात क्या है? धन से। तो धन से आप कैसे सहायता कर सकते हैं? जो भी आप कमाते हैं, आपकी जो भी सैलरी है या आपकी जो बिजनेस है, जो भी आपकी प्रॉफिट आता है, आपकी जो भी तनख्वाह आती है या जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आता है, उसमें से आप 10% का हिस्सा आप अलग से रख दीजिए। अपने धन का 10वां हिस्सा, जिसे हम दसवंत के नाम से भी जानते हैं, वो आप अलग से हर महीने अपनी सैलरी में से अलग से निकाल के बाहर रख दीजिए। इससे होगा क्या कि जो आपकी कमाई होगी, जैसे आप 10,000 रुपए कमाते हैं, तो उसमें से आपने 1,000 रुपए निकाल के किसी और बैंक अकाउंट में रख दिए। अब उन पैसों का आप करोगे क्या? उन पैसों को आप अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे, तो उन पैसों को आप क्या करोगे? तो जो आपने अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा निकाला है, उससे आपको धार्मिक काम करने हैं, मतलब अपनी फायदे के लिए, अपनी सुविधा के लिए वो काम नहीं करने हैं। करने क्या है? जो आप पैसा अपनी सैलरी से निकाल रहे हो, उस पैसे से आप कोई श्याम प्रेमी है या कोई दुखी है, उसकी आप मदद कर सकते हो, या कोई श्याम प्रेमी आज तक खाटू नहीं गया और अगर खाटू जाने की इच्छा रखता है, उस श्याम प्रेमी को उन पैसों से, अगर आपके पास वो पैसे 2,000, 4,000, 10,000, 15,000, आप काफी टाइम से जमा कर रहे हो, अगर वो थोड़े पैसे ज्यादा हो जाते हैं, तो किसी एक श्याम प्रेमी को आप बाबा के दरबार खाटू में ले जा सकते हो। और इतना ही नहीं, किसी भी गरीब जो वास्तव में जिसको दरकार है मदद की आपकी, किसी के घर में खाने के लिए मान लीजिए एक वक्त का अनाज नहीं है, तो उसको आप उन पैसों से मदद कर सकते हैं। तो जो आप पैसा निकाल रहे हो, अपने सैलरी का जो 10वां हिस्सा निकाल रहे हो, इसको दसवंत के नाम से जाना जाता है। आप एक बार ये करके देखिएगा, देखिएगा आपकी इनकम ऐसी बढ़ेगी। अगर आप 10 कमाते हो, तो 10 की जगह आपकी इनकम बढ़ के 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, जितनी भी होगी। मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपए हो महीने की है, तो 50,000 का जो 10वां हिस्सा है, यानी कि 5,000 रुपए, वो आपको अलग से निकाल के अपने बैंक अकाउंट में रख देने हैं। और याद रखना, उन पैसों को अपने लिए खर्च मत करना, अपने कुछ आयोजन करने के लिए यूज मत करना, क्योंकि वो आपने अपनी सैलरी से किसी की मदद के लिए वो पैसे निकाल के रखे हैं। वो मदद चाहे तो आप इंसानों की कर सकते हैं, किसी जानवरों की कर सकते हैं, गौ सेवा में दान दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। किसी गरीब के माता पिता के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं उन पैसों से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन पैसों से, जो 10वां हिस्सा है जो आपने निकाला है, वो
उस पैसे से आप कर सकते हैं। जो भी आप पैसा आप निकाल रहे हो दसवां, वो निकालने के बाद फिर कहीं भी आपको इधर उधर दान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी सैलरी में से हर महीने ये पैसे निकाल चुके हैं, जो कि दसवंत के नाम से जाना जाता है, यानी दसवां हिस्सा, सैलरी का दसवां हिस्सा। 5,000 कमाते हैं तो उसका दसवां हिस्सा आपको अलग से निकाल के रख देना है। 5,000 का दसवां हिस्सा है 500 रुपए, 10,000 का होगा 1,000, इसी तरह से आप जितना भी होगा उसका दसवां हिस्सा आप निकाल लीजिए तो आप अलग से रख दीजिए, और उससे लोगों की सेवा करिए, भक्ति भाव से भक्ति करिए। देखिएगा आपके ऊपर धन की वर्षा, बाबा की कृपा ऐसी बनेगी कि आप कभी अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। अगर आप धन से परेशान रहते हैं, मन से परेशान रहते हैं, क्योंकि देखिए मन तभी शांत रहेगा जब आपके पास पर्याप्त सुविधा रहेगी, पर्याप्त धन रहेगा, तो आपका मन शांत रहेगा, आपके घर में सुख शांति रहेगी, कोई बीमारी नहीं होगी किसी को, सब कुछ सही से चलेगा। तो ये सब आप सेवा भाव से होता है। श्याम की सच्ची सेवा करनी है तो इससे बड़ी सेवा और कुछ नहीं हो सकती। किसी प्राणी की सेवा कर रहे हो, किसी दुखी की सेवा कर रहे हो, देख याद रखिएगा, जिसको दरकार है उसी को करनी है। ऐसे नहीं कि सड़क पे आजकल बहरूपिये काफी सारे आ जाते हैं, मांगने वाले काफी आ जाते हैं, जिसको जरूरत नहीं है, बहुत सारे गैंग होते हैं, गैंग बन के भिखारी बन के आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको पहचानना है, और जो वास्तविक मदद है, जिसका अपना मकान है, अपना घर है, दो वक्त की रोटी नहीं है, और जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं, ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं दान नहीं करना जो बच्चों से भीख मंगवाते हैं। आपको सिर्फ उन्हीं की मदद करनी है जो वास्तव में आप वहां विजिट करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, देखते हैं, वास्तव में इनके यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, तो आप उनको उन पैसों से कुछ सामान खरीद के, जैसे 1,000 रुपए का राशन है या 1,500 रुपए का राशन है जो आपने अपनी सैलरी में से निकाला है, उन पैसों से उनको ये सारी चीजें देकर मदद कर सकते हैं। तो ये आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी, श्याम बाबा की सच्ची सेवा मानी जाएगी। उन्हीं पैसों से आप उन गरीब बच्चों के या गरीब माँ बापों को वस्त्र सेवा कर सकते हैं। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है, पहनने के लिए जूते नहीं है, तो आपको अपनी सैलरी में से बचाए गए जो दसवां हिस्सा है उसमें से जो पैसे बचे हैं, उन पैसों से आप वो मदद कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, उस पैसों को अपने किसी भी कार्य पे, पर्सनल काम पे खर्च मत करिएगा। आपने वो पैसे चैरिटी के नाम पे निकाले हैं, दान देने के लिए निकाले हैं, तो उसको उसी हिसाब से यूज करना है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है, श्याम की सच्ची सेवा को पहचानो, श्याम बाबा की सच्ची सच्चे भक्तों को पहचानो, किसी भूखे की मदद करो, किसी के पास खाना नहीं है तो आप उनको खाना खिलाओ, दो गरीब को, तीन गरीब को, जितना भी बन सके, जब आपके पास वक्त है, नौकरी साहब आते हैं, आपके नजर में कोई पड़ गया, उस बंदे को, उस भूखे को, एक अगर आपके पास क्षमता है, पैसा है, तो आप उनको खिला सकते हैं। आपने दसवंत का हिस्सा निकालते निकालते आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए जब हो जाते हैं, और मान लीजिए भगवान न करे आपके साथ कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए, या आपके साथ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए कि आपके पास पैसे नहीं हो और आप बहुत परेशान हो, परंतु आप हर महीने दसवंत निकाल रहे हैं, हर समय अपनी सैलरी में से दसवंत निकालते रहे हैं, तो आपको उन पैसों को, मान लीजिए जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, उस कंडीशन में आप उन पैसों को यूज कर सकते। परंतु ये ध्यान रखिएगा, जब आप उन पैसों को निकाल लेते हैं, निकालने के बाद जब आपके पास वापस से कोई रोजगार, मतलब वापस से आपकी जॉब लगती है, वापस से आप कमाने लगते हो, तो वापस से आपको जितने पैसे आपने निकाले हैं वो आपके लिए एक कर्ज के समान होगा, क्योंकि जो आपने दसवां हिस्सा निकाला है वो आपकी, आपने चैरिटी के पर्पज से निकाला था, दान के पर्पज से निकाला था, क्योंकि आपने अपने अकाउंट में रखा था, तो वो पैसे को आपने इमरजेंसी में यूज किया है, तो आपको एक कर्ज के समान होगा। जब आपके पास वापस से धन आएगा तो उस कर्ज को आपको चुकाना होगा। ये आपको कोई आके नहीं कहेगा, ना भगवान कहेंगे, ना कोई कहेगा, क्योंकि यह आपका पैसा है, आपका कर्ज को आप अपने मन से या तन से वापस से यूज करने के बाद, धन आने के बाद, वापस से जितना पैसा आपने यूज किया है उस पैसे को उसी अकाउंट में डाल देंगे, और जब जरूरत पड़ेगी तब किसी मजबूर की या निर्धन की उसी पैसे से आप सहायता करेंगे। तो ये दसवंत की बात है जो आप सभी को ध्यान में रखनी है और इसको अमल भी करना है।
आपको मैं एक ही चीज बता दिया, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आने वाले वीडियो में नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। जैसे बाबा श्याम ने मुझे आदेश दिया मैंने आपको बताया, अब ये करना नहीं करना आपके ऊपर है। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी इनके बारे में पता चल सके, ये सारी बातें समझ सके। जय श्री श्याम।